नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा। आज पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के घर जाएंगे सीएम योगी, श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं लखनऊ में छठ पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ में छठ पर बड़ा पर्व का आयोजन किया गया है। शाम 5 बजे लक्ष्मण मेला मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिन भर का दौरा आपको बता रहे हैं। बता दें श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे, तो वहीं लखनऊ में छठ पर्व पर भी शामिल होंगे। पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के घर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं राजधानी लखनऊ में छठ पर्व पर बड़ा आयोजन किया गया है, वहां पर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा आज, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता पवन से जुड़ गए हैं। पवन, सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा आज है, और वहीं बात करें तो पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के घर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी? और बिल्कुल कविता, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ में महेंद्र प्रताप सिंह जो पूर्व मंत्री रहे और इस समय संगठन में भी हैं, वो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रहे इससे पहले, तो आज उनके यहाँ भागवत कथा हो रही है जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। वहाँ करीब 2:30 बजे पहुँचेंगे प्रतापगढ़ करमही उनके गांव पे, और वहाँ पर उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद सबसे बड़ा आयोजन जो उत्तर प्रदेश लखनऊ के यहाँ लक्ष्मण मेला मैदान में छठ पर्व को लेकर के हो रहा है, चूँकि ये बड़ा पर्व है। इससे पहले तो यह सिर्फ एक क्षेत्र भर में सीमित था, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश व्यापी यह पर्व है। इसको लेकर के पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, सभी लोग इससे जुड़े बहुत सारे, चाहे वो जैसे रेल ट्रेन चलानी हो या उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसें चलाना हो, चूँकि हर व्यक्ति जो इस पर्व को मनाता है वो अपने घर परिवार में ही जाता और घर परिवार के साथ मिल के इस पर्व को मनाता है। चूंकि छठ जो पर्व है वो महापर्व के रूप में मनाया जाने लगा है, और लखनऊ में अगर हम बात करें तो लखनऊ में पिछले 10 साल पहले इस पर्व को उतने लेवल पर नहीं मनाया जाता जो पिछले 5 सालों 8 सालों में इसकी जो महत्ता है और बढ़ी है। यहाँ लखनऊ में जो लोग रहते हैं, जो पूरब से आकर के लखनऊ में बसे हुए हैं, वो लोग तो मनाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जी, जो लखनऊ में लोग रहते हैं, इस पर्व की महत्ता को समझने के बाद सभी लोग इस पर्व में हिस्सा लेते हैं। और आज यह पर्व शाम को जो सूर्य का अर्घ देंगे, जो अस्ताचल सूर्य, जो सूर्य डूबते सूरज को जल देंगे, और कल सुबह जब सूर्य उदय होंगे तब जल देंगे। और इस जो पर्व है, इसका जो व्रत है, व्रती महिलाएं करीब 36 घंटे तक निराजल व्रत धारण करती हैं। यह सूर्य की उपासना का त्योहार है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को लक्ष्मण मेला मैदान में शामिल होंगे। कविता, बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।